कवर्धा में विभिन्न क्षेत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस ने रेंगाखार तहसील कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि रेंगाखार जंगल कार्यक्रम में योगी ने अपने भाषण के दौरान इस कदम गरीबी खत्म का नारा दिया था। अगर योगी जी की सरकार बनती है तो पहला कदम किसानों का धान 4,000 क्विंटल में खरीदेगी। वहीं पेंशनधारी को 3,000 रुपये प्रति माह, बड़े बुजुर्गों को 4,500 रुपये प्रति माह, कच्चे मकान वालों को 5 लाख रुपए की लागत से पक्का मकान बनाकर दिया जाएगी। वहीं अमित जोगी ने कहा कि 15 साल बीजेपी पर भरोसा कर लिया और 5 साल कांग्रेस पर कर लिया है। दोनों ने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया। स्टैम्प पेपर पे मैं लिख के दूंगा कि मेरी सरकार बनेगी तो ये 10 कदम मैं लेने वाला हूं और गरीबी को खत्म करने वाला हूं। मेरी लड़ाई ना तो कांग्रेस से है, ना तो भाजपा से है, मेरी लड़ाई गरीबी से है। सबसे अमीर धरती, और उसमें हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कहीं गरीब परिवार है, 40% से ज्यादा छत्तीसगढ़ के परिवार आज भी अति गरीबी में अपना जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में ठोस कदम लेने पड़ेंगे, नहीं तो छत्तीसगढ़ बर्बाद हो जाएगा। जो भी मांगे रखी गई हैं उसको मेरे द्वारा सुना गया है। इस पर प्रॉपर ऑर्डर शीट चला के जिला प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई रहेगी वो तत्काल की जाएगी।